लखनऊ में एक युवक को जिंदा चलाने की कोशिश की गई। युवक अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके ऊपर कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, फिर मौके से फरार हो गए। वहीं पड़ोस में रहने वाली महिला ने युवक के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद लोगों को घटना की जानकारी हो पाई। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। घटना लखनऊ के पीजीआई इलाके की है। वहीं रात के करीब 1 बजे आग लगाई गई है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को युवक की बाइक को भी जलाया गया था। वहीं पीड़ित युवक आकाश अवस्थी रायबरेली का रहने वाला है। वो 7 महीने से लखनऊ में किराए के मकान में रह रहा है। वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो में काम करता है। उसका काम उसके एरिया में डिलीवरी होने वाले सामानों की देखरेख करना था। वहीं वो मकान के फ्लोर 1 पर रहता था। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उसने स्टोर रूम बना रखा था। आरोपियों ने उसके स्टोर रूम में भी आग लगा दी थी। वो अपने घर में अकेला रहता था। वही मामले में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि युवक का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है, अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही पीड़ित की मां ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। वही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।